एवरीवन, सो टुडे आई विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टिप्स टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको अगर हम प्रैक्टिस करते हैं या जिनकी डेवलप करते हैं हम हैबिट, तो हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर वन, एक्टिव लिसनिंग। बिफोर एंगेजिंग इन द कन्वर्सेशन या बिफोर स्पीक, सबसे पहले आपको सुनना है कि सामने वाला पर्सन आपसे क्या कम्युनिकेट कर रहा है, वो क्या कह रहा है। सेकेंड वन इज़ प्रैक्टिस एम्पैथी, विच मीन्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समवन्स पर्सपेक्टिव्स। जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जिसके साथ आपका आपका कॉन्वर्सेशन है, आप उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचिए कम्युनिकेशन करने से पहले या कोई भी कॉन्वर्सेशन करने से पहले। नेक्स्ट वन इज़ क्लियर एंड कंसाइज स्पीच। जितना ज़्यादा हम क्लियर और कंसाइज वर्ड्स को यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन हमारी इफ़ेक्टिव होती है। कोशिश करिए हमेशा कॉम्प्लेक्स या टेक्निकल वर्ड्स को अवॉइड करिए अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूव योर वोकैबलरी। जितना ज़्यादा हम अपनी वोकैबलरी को एक्सपांड करते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं वो हमारी इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट वन इज़ माइंडफुल या बी केयरफुल अबाउट योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारे जेस्चर्स कैसे हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं वाइल कम्युनिकेटिंग, हमें इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ अडैप्ट टू योर ऑडियंस। जिनके साथ हमें कम्युनिकेट करना है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी कम्युनिकेशन को टेलर करिए। किस पर्सन के साथ हमें कम्युनिकेशन करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें कम्युनिकेशन स्टाइल को डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ मैनेज योर स्ट्रेस। बिफोर कम्युनिकेशन कोशिश करिए ऐसे वेज फाइंड आउट करने के, ऐसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए जिनसे आप अपनी नर्वसनेस को और अपनी एंगजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। जिसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, आपके फेस पे स्माइल होनी बहुत ज़रूरी है, विच मेक्स अ गुड इम्पैक्ट एंड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टूवर्ड्स योर ऑडियंस। कि किस तरीके से आप आई कॉन्टैक्ट अपने ऑडियंस के साथ करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑल्सो देयर, दैट इज़ प्रैक्टिस द पब्लिक स्पीकिंग। जितना कोशिश हो सकता है, कोशिश करिए कुछ ऐसे क्लब्स ज्वाइन करने की, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करने की जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग से आपको और हेल्प मिलेगा कम्युनिकेशन के स्किल्स को अचीव करने के लिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम। एंड वन मोर थिंग दैट यू नीड टू बी रिमेंबर, दैट इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, राइट। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, सो ट्राई टू बी पेशेंट, ट्राई टू बी पर्सिस्टेंट विद द टाइम।